हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वांडा विजन एपिसोड 5 को। अगर आपको अच्छे से समझना है और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी है तो आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वांडा और विजन दोनों अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रो रहे हैं, और फिर उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। और वांडा अपने ट्रिक्स ट्राई मारती है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन बच्चे चुप नहीं होते। अब उसका ट्रिक काम क्यों नहीं आता, उसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। अब वांडा विजन से पूछती है कि ये बच्चे चुप क्यों नहीं हो रहे, तो उसके जवाब में विजन कहता है कि इनको थोड़ा वक्त चाहिए एक दूसरे को पहचानने के लिए। तो वांडा कहती है हाँ, शायद ये हो सकता है, या फिर हमें किसी की हेल्प चाहिए। और हम देखते हैं उसी टाइम पर डोरबेल बजती है और वहाँ पर एग्नेस आ जाती है हेल्प करने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर एग्नेस जब बच्चों को उठाने जाती है तो विजन रोक लेता है कि तुमने आखिरी बार अपने हाथ कब धोए थे, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब हम थोड़ा स्ट्रेंज फेस देखते हैं एग्नेस का, और वो वांडा से पूछने लगती है क्या मैं इसे उठा सकती हूँ दोबारा। तो इस बात पर विजन थोड़ा शॉक हो जाता है और मतलब अलग स्ट्रेंज तरीके से देखने लगता है। और यहाँ पर विजन वांडा सब कुछ कंट्रोल कर लेती है और हंसने लगती है। और विजन इस टाइम पर वांडा को साइड में बुलाता है और पूछने लगता है कि ये सब क्या हुआ, क्या तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। और वहाँ हम देखते हैं कि एग्नेस जो है वो बच्चों को चुप करा रही है और बाद में अंदर चली जाती है कुछ ड्रिंक लेने के लिए अपने लिए। उस टाइम पर हम देखते हैं कि अब बच्चे सचमुच रोना बंद कर चुके हैं, और विजन कहता है कि ये कैसे हुआ। अब तो वहाँ पर देखता है जाके तो झूले में कोई भी नहीं होता है, और वांडा विजन दोनों सोचने लगते हैं कि दोनों बच्चे बिली और टॉमी कहाँ गए। फिर हम देखते हैं कि बिली और टॉमी दोनों की उम्र 5 साल हो गई है। मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि बच्चे खुद की एज अपने आप बढ़ा सकते हैं वेस्ट व्यू के अंदर। और यह वहीं पर एग्नेस भी खड़ी होती है और वो देखती है कि किस तरह से बच्चे बड़े हुए हैं, और वो कहती है कि वेस्ट व्यू के अंदर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब हम वेस्ट व्यू के बाहर देखते हैं कि मोनिका और जो स्वॉर्ड के हेड है हाउडेन, उन दोनों के बीच में डिबेट हो रही है कि वांडा आखिर में करना क्या चाहती है। तो हाउडेन कह देते हैं कि वांडा एक टेररिस्ट है। उसके जवाब में मोनिका कहती कि वो टेररिस्ट नहीं है, उसने मुझे इस तरह से बचा के फेंका कि मुझे चोट ना लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जवाब में जो स्वॉर्ड के हेड हैं वो हमें एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो वांडा जो है वो स्वॉर्ड में घुस आई थी और विजन को उठा के ले गई है और बहुत कुछ नुकसान भी पहुँचाया है स्वॉर्ड को। अब हम वेस्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बिली और टॉमी बाहर से कुत्ते का पिल्ला उठा के ले आए हैं और उसे नहलाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वांडा वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या ले आए। तो वो कहते हैं कि हम इस कुत्ते के बच्चे को पालना चाहते हैं, लेकिन वांडा कहती है कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम पर विजन आ जाता है तो वांडा उसके साथ समझाने लगती है बच्चों को। तो वो कहती है कि मिनिमम तुम जब तक 10 साल के नहीं हो जाते तब तक बच्चे नहीं, ये कुत्ते के बच्चे को नहीं पाल सकते। तो उसी टाइम हम देखते हैं कि बिल्ली और टॉमी दोनों अपनी एज बढ़ाकर 10 साल कर लेते हैं। और इसी टाइम पर वहीं पर एग्नेस भी आ जाती है कुत्ते के बच्चे का घर लेके। तो हम यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, जैसे भी वांडा और विजन को कोई हेल्प चाहिए एग्नेस उनके घर पे पहुँच जाती है। ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब इसी टाइम पर वांडा अपने ट्रिक से कुछ हाथ में लेके आती है कुत्ते के लिए, कुत्ते के बच्चे के लिए, और उसे एग्नेस नोटिस नहीं करती, लेकिन विजन नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, सबको अपनी जादुई शक्तियाँ क्यों दिखा रही हो। और वेस्ट व्यू के बाहर हम देखते हैं कि जो मोनिका है वो अपने कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट करती है और एक गोली चला देती है, लेकिन वो हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो गोली मुड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जब मोनिका बाहर से अंदर गई थी तब एक कवच पहन के गई थी जिसमें गोली नहीं लगती, लेकिन बाहर आई तो उसके कपड़े ही एक्चुअली में कवच बन गए। अब हम देखते हैं कि विजन काम करने गया है और वहाँ पर अब नया कंप्यूटर भी आ गया है, और विजन कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी खूबियाँ अपने एक दोस्त को बताता है जो भी उसी कंपनी में काम करता है। तो वो दोस्त उसे कहता है तुम तो एक चलते फिरते कंप्यूटर हो और इनकी कंप्यूटर के लैंग्वेज जानते हो। ऑफकोर्स वो जानता है क्योंकि वो खुद एक कंप्यूटर है। तब उसको अपने दोस्त को कहता है कि मैं तुम्हें इंटरनेट सर्च करके बताता हूँ। वो कहता है ऑफकोर्स बताइए। तो वो इंटरनेट जब चालू करता है तो वहाँ पर देखते हैं कि एक ईमेल आया हुआ है जो कि ऑफकोर्स बाहर से डोर्सी लुइस जो कि एक डॉक्टर है एस्ट्रोफिजिक्स में, उन्होंने भेजा हुआ है। और उन्होंने इस मेल में लिखा है, वो जो ऑफिस के सारे लोग होते हैं वो पढ़ने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन है जो कि ऑफकोर्स वांडा ने क्रिएट की है वेस्ट व्यू में। और इसके बाद हम देखते हैं कि विजन उस दोस्त को दिमाग पर छूता है और एक ट्रिक करता है जिसकी वजह से वो वांडा के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे अपने परिवार से बात करनी है। वांडा ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है यहाँ पर और हमें किसी से बात नहीं करने दे रही। उसी टाइम पर वापस से विजन उसके दिमाग पर टच करता है और वापस से उसे वांडा के कंट्रोल में ला देता है। मतलब विजन को ये पता चल जाता है कि वांडा वेस्ट व्यू में सभी को कंट्रोल करके रखे हुई है। अब हम देखते हैं कि वेस्ट व्यू के बाहर से मोनिका ऐसा ड्रोन बना के भेजती है जो कि वेस्ट व्यू के अंदर जाने पर अपना रूप चेंज ना करे, क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया है और उसी के आकार का ड्रोन बनाती है। अब जैसे वो ड्रोन बनाती है, अंदर आता है वेस्ट व्यू के अंदर, तो कुत्ता भौंकने लगता है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलती है वांडा अपने बच्चों के साथ, तो देखती है कि वहाँ पर एक ड्रोन है जो वांडा के ऊपर नज़र रखे हुए है। और एक्चुअली में ये ड्रोन के अंदर मिसाइल्स होती हैं जिसको
फोर्ड का हेड है वो वांडा के ऊपर फोड़ने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो फोड़ने वाला होता है वांडा उसे पकड़ लेती है ड्रोन को और उसे बाहर लेके आ जाती है वेस्ट व्यू के, और लास्ट वार्निंग देती है कि अगर अगली बार कोई भी कोशिश की अंदर भेजने की कुछ भी तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, क्योंकि उसके पास विजन मरने के बाद आया है लेकिन उसे वापस से वो खोना नहीं चाहती है। और ये कहकर वांडा वापस से अंदर चली जाती है और लाल लाल की लाल कलर की पूरी जो रेडिएशन है वो फैला देती है वो वेस्ट व्यू के बॉर्डर पर। अब हम वेस्ट व्यू के अंदर आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि जो कुत्ते का पिल्ला होता है वो एग्नेस के घर के बाहर जो पेड़ लगा है उसकी पूरी पत्तियाँ खा के मर जाता है, और एग्नेस उसे उठाती है कपड़े में लपेट कर और कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि कुत्ते का पिल्ला आया था। और इसी टाइम पर बिल्ली और टॉमी रोने लगते हैं और कहते हैं, पहले तो वो एज चेंज करने वाले होते हैं, अपनी एज 5 साल वापस बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन वांडा उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। तब बिल्ली और टॉमी कहते हैं कि तुम इसे वापस से ज़िंदा कर दो, और उन्होंने एक बार बिल्ली और टॉमी ने वांडा से पूछा भी होता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या, तो उन्होंने वांडा ने कहा होता है कि मेरे पास एक भाई है जो कि बहुत दूर रहता है, एक्चुअली मैं उसका भाई पेट्रो जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर चुका था। अब इसी वाली सिचुएशन में वापस से आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा कहती है कि लाइफ में कुछ रोल होते हैं, हम मरे हुए को ज़िंदा नहीं करते हैं वापस से। तो अब यहाँ पर बिल्ली और टॉमी इंसिस्ट करने लगते हैं कि इसे ज़िंदा कर दो। एग्नेस पूछते हैं कि तुम्हें ये क्या आता है, तो वांडा उसका कोई जवाब नहीं देती। वापस से बिल्ली और टॉमी कहते हैं कि इस पिल्ले को ज़िंदा कर दो, लेकिन उसी टाइम पर विजन आ जाता है और पूछता है कि किसे ज़िंदा कर दो, और वहीं पर एग्नेस खड़ी होती है। तो विजन को ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वांडा अब बिल्कुल भी अपनी शक्तियाँ नहीं छिपा रही है और सबके सामने उसका शो ऑफ कर रही है। अब विजन जैसे ही घर पर जाता है वांडा के साथ तो उसका उसके साथ डिबेटिंग चालू हो जाता है कि उसे पता चल गया है कि तुम सबके दिमाग को कंट्रोल कर रही हो, और तो और वेस्ट व्यू में एक भी बच्चे नहीं है। और इसका जवाब दोस्तों मेरे पास है कि वेस्ट व्यू में एक भी बच्चे नहीं है, क्योंकि आपने आगे देखा था तब एग्नेस ने कहा था कि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट व्यू के अंदर जो बच्चे होते वो अपनी एज अपने आप बढ़ाने लगते 5-5 साल 10-10 साल करके, इसलिए मेरे हिसाब से वेस्ट व्यू में एक भी बच्चे नहीं है। और शायद वांडा का ट्रिक जो है वो बच्चों पर नहीं चलता, इसीलिए वांडा चाहती है कि उसके एक भी बच्चे वेस्ट व्यू में ना रहें सिर्फ ये बिल्ली और टॉमी को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी एज कभी भी बढ़ा सकते थे, इसलिए वेस्ट व्यू में एक भी बच्चे नहीं है। तो यहाँ पर वांडा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। अब दोस्तों मेरे हिसाब से सब कुछ का मतलब है कि मेफिस्टो भी इसमें शायद विलन जो है वो कंट्रोल कर रहा हो वांडा के अलावा की चीज़ों को, और मेफिस्टो मेरे हिसाब से पिएट्रो में भी हो सकता है। पिएट्रो जो कि वीडियो में हमें आगे दिखाया गया कि वांडा ने उसे भी ज़िंदा कर दिया है, पिएट्रो मतलब वांडा का भाई जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गया था, तो लास्ट में हमें वो भी दिखाया जाता है। दोस्तों मुझे एपिसोड 6 का बहुत ज़्यादा इंतजार है, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, उसका भी ब्रेकडाउन हमारे चैनल पे आने वाला है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में, और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।